डाइमर लगा रखे जहां पे गैस की फैसिलिटी भी हो, कार पोर्च में आपकी बड़ी गाड़ी भी पार्क हो सकती हो, और एक ऐसा घर के वो भी पेशावर में हो जिसमें चार कमरे हो। तो ये इसका एक जो मास्टर बेडरूम है इसका भी आप सिर्फ ये साइज चेक करें। अस्सलाम वालेकुम, वदान रियल इस्टेट के साथ मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है। आज आप लोगों के लिए एक ढाई मरला घर के जहाँ पे गैस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और इस घर में आपको चार कमरे मिलेगी। लोकेशन इस घर की पेशावर में वर्सक रोड पे धर्मा स्ट्रीट नंबर 3 में खान टाउन में है। यहाँ पे गैस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और कार पोर्च में आप देखें तो इसमें आपकी बड़ी गाड़ी आराम से पार्क हो सकती है। ऊपर इसमें आपको सीलिंग वर्क वॉल्स में आप देख सकते हैं, इसमें आपको डिजाइनिंग के साथ। सबसे पहले मैं आपको इसका ड्राइंग रूम दिखाऊं, तो ड्राइंग रूम यहाँ पे है। ड्राइंग रूम में नीचे आपको इसमें मार्बल वर्क वॉल्स में आप देख सकते हैं खूबसूरत डिजाइनिंग के साथ। सामने यहाँ पे आपको इसकी वार्डरोब्स मिलेगी और इसका जो अटैच वॉशरूम है तो वॉशरूम इसका यहाँ पे बनाया गया है। वॉशरूम में आप देख सकते हैं बेसन कमोड और वेंटिलेशन के लिए विंडो। अच्छा, फिर रूम की जो वेंटिलेशन है तो वो आपको इस साइड पे मिलेगी। ये टाइमर लगा है, यहाँ पे गैस की फैसिलिटी अवेलेबल है और कार पोर्च में आपकी बड़ी गाड़ी भी पार्क हो सकती है। और लोकेशन इस घर की पेशावर में वर्सक रोड पे दरमंगी गार्डन स्ट्रीट नंबर 3 में खान टाउन है। अच्छा, यहाँ पे फिर आपको फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स यहाँ से, और यहाँ पे आए तो आपको दिखाए, यहाँ पे आपको किचन मिलेगा, एक छोटा सा किचन वो भी यहाँ पे बनाया गया है। तो उसमें भी आपको बेसन यहाँ पे वेंटिलेशन यहाँ से दी गई है। और यहाँ से दिखाई तो यहाँ पे फिर इसका ये मास्टर बेडरूम बनाया गया है। इस बेडरूम में भी वॉल्स में आप देख सकते हैं डिजाइनिंग, यहाँ से आके दिखाए आपको तो ऊपर आपको इसमें सीलिंग वर्क, यहाँ पे वेंटिलेशन दी है। वॉशरूम आपको दिखाए तो वॉशरूम इसका बहुत ही एक वाइड इसका वॉशरूम बनाया गया है। और वार्डरोब्स, तो रूम की वार्डरोब्स यहाँ पे बनाई गई है। तो ये था जी इसका ग्राउंड फ्लोर, एक ड्राइंग रूम था और एक इसका मास्टर बेड बनाया गया था और एक यहाँ पे किचन था। ये ढाई मरला घर जिसकी लोकेशन पेशावर में वर्सक रोड पे दरमंगी गार्डन स्ट्रीट नंबर 3 में खान टाउन है, इसमें चार कमरे हैं। अब हम ये फर्स्ट फ्लोर पे पहले वहां से आके आपको दिखाए तो बिल्कुल सामने आपको यहाँ पे ओपन किचन, ऊपर आपको इसमें सीलिंग वर्क, मेरे राइट साइड पे आपको दो बेडरूम्स मिलेंगे। फिर वो आपको मैं किचन दिखाऊं तो किचन में आपको यहाँ पे बेसन वेंटिलेशन ऊपर नीचे आप इसमें ये डिफरेंट इसकी कैबिनेट्स चेक करें। अच्छा, उस साइड से दिखाई ताकि दूसरे साइड की व्यू भी आपको अंदाजा हो जाए। तो उसी तरह यहाँ पे दो टॉप फ्लोर के लिए स्टेयर्स वहां से। अब आइए इस बेडरूम की तरफ, इस बेडरूम में भी वहां से आके दिखाए तो सामने आपको वेंटिलेशन मिलेगी, ऊपर इसमें उसी तरह का आपको सीलिंग वर्क, वॉल्स में आपको खूबसूरत डिजाइनिंग मिलेगी। और दूसरी साइड की व्यू दिखाए तो बिल्कुल सामने आपको वार्डरोब्स और फिर इसका जो वॉशरूम है वॉशरूम भी आपको दिखाए तो यहाँ पे इसका वॉशरूम बनाया गया है। और डिमांड भी इस घर की मुनासिब है, 95 लाख यानी 95 लाख ये इस घर की डिमांड है, इसमें भी बात होगी। अब ये सेकेंड बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर का, तो इसमें भी नीचे आप देख सकते हैं मार्बल और वॉल्स में डिजाइन, ऊपर भी आप देख सकते हैं वेंटिलेशन इसमें यहाँ पे दी गई है, वॉशरूम इसका यहाँ पे बनाया गया है और वार्डरोब्स इस रूम की यहाँ पे। तो इसी के साथ इसमें चार बेडरूम्स हो गए और डिमांड इसकी 95 लाख है यानी 95 लाख ये इस घर की डिमांड है। प्राइस निगोशिएबल है, इसमें भी बात होगी, यहाँ पे गैस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अच्छा, टॉप फ्लोर पे आए तो यहाँ पे आपको जो इसकी ये एरिया है ये बिल्कुल ओपन टू स्काई, वहाँ से आके ऊपर आपको दिखाई इसकी जो वाटर टैंक है तो वाटर टैंक भी आपको दिखाई इसकी, और यहाँ पे आपको ये वरांडा मिलेगा और यहाँ पे भी आपको ये जगह तो कनेक्शन वगैरह गीजर के लिए दी गई है। थैंक यू।